Hey everyone, welcome to Bilicious. NEET 2022 preparation के अंडर मैंने आप सभी को अगस्त 2021 और सितंबर मंथ का टारगेट दिया था बच्चों। आई होप आपने सिंसियरली उस टारगेट को फॉलो भी किया होगा। 28 सितंबर के बाद से बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए थे, दियो अक्टूबर मंथ का टारगेट, जल्दी जल्दी दो। तो ये देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा अगस्त और सितंबर मंथ का टारगेट फॉलो नहीं किया होगा, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं आप लोगों को अक्टूबर मंथ का टारगेट प्रोवाइड करा रही हूँ बच्चों, इसमें यहाँ अगस्त और सितंबर से कुछ कुछ चैप्टर्स ऐड करेंगे आप लोग, यानी कि अक्टूबर मंथ में आपको थोड़े से और ज्यादा चैप्टर्स कवर करने होंगे ताकि ये बैकलॉग वाली चीज से आप बचे रहें और आप उन सारे बच्चों के साथ साथ प्रेपरेशन करते रहे जिन्होंने अगस्त और सितंबर मंथ का भी टारगेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जो मेरी टारगेट वीडियो को अक्टूबर महीने से फॉलो कर रहे हैं वो अक्टूबर मंथ का टारगेट तो करेंगे ही, लेकिन जो चैप्टर्स उनके अगस्त और सितंबर मंथ के टारगेट से छूट गए हैं उन चैप्टर्स को भी यहाँ अक्टूबर में कवर करने की कोशिश करें, एक एक चैप्टर ऐड करते जाएं ताकि पिछले छूटे हुए चैप्टर्स भी आप लोगों के कवर हो सके। ठीक है, मैं फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ। अगस्त मंथ में मैंने आपको क्लास 11 का बायोलॉजी से द लिविंग वर्ल्ड, फिजिक्स से फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टारगेट दिया था। क्लास 12 से रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिजिक्स से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट और बायोमोलिक्यूल्स, ये अगस्त महीने का टारगेट था। उसी तरीके से सितंबर में मैंने आपको क्लास 11 बायोलॉजी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिजिक्स क्लास 11 से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, केमिस्ट्री क्लास 11 से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 12 बायोलॉजी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी और क्लास 12 केमिस्ट्री से सॉल्यूशंस चैप्टर का टारगेट दिया था। अगर आपने मेरा अगस्त और सितंबर मंथ के टारगेट को एज इट इज फॉलो किया था तो आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 में आप लोगों के बायोलॉजी क्लास 12 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहा है, जो कि आप लोगों ने अगस्त टारगेट में कवर कर लिया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी कवर्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कवर्ड, सॉलिड स्टेट बायोमोलिक्यूल्स ये भी आप लोगों ने अगस्त महीने में ही कर लिया होगा। सितंबर में आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशंस कर दिया होगा। सीबीएसई टर्म 1 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप लोगों के टोटल फिजिक्स में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर आप लोग मुझे अगस्त से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने फिजिक्स के 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, जो बचे हुए बाकी के 4 चैप्टर्स हैं वो आप अक्टूबर में करेंगे। बायोलॉजी में आप लोगों के 5 चैप्टर्स आ रहे हैं जिनमें से 3 मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं, 2 बचे हुए चैप्टर्स आप लोग अक्टूबर में करेंगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री में आप लोगों के 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 हमने अगस्त और सितंबर मंथ टारगेट के अंडर कंप्लीट कर दिए हैं, बचे हुए 3 चैप्टर्स हम लोग अक्टूबर मंथ में करेंगे। तो हियर कम्स अक्टूबर 2021 का टारगेट फॉर नीट 2022 प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। बायोलॉजी क्लास 11 से बच्चों आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे, क्लास 12 बायोलॉजी से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर करेंगे, फिजिक्स क्लास 11 से लॉज ऑफ मोशन, क्लास 12 फिजिक्स से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, क्लास 11th केमिस्ट्री से आप लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लास 11th केमिस्ट्री से ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग करेंगे। उसी तरीके से क्लास 12th केमिस्ट्री से द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आप लोग करेंगे। केमिस्ट्री टारगेट में मैंने आप लोगों को क्लास 11 से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका बेसिक का काम करेगा क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका अक्टूबर मंथ का टारगेट ये होना चाहिए। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग क्लास 11, 12 के ये सारे चैप्टर्स इसी महीने कंप्लीट कर सके। ठीक है, मैं आपको नवंबर मंथ का टारगेट भी प्रोवाइड कराऊंगी, साथ ही आपके बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए इस महीने अनअकैडमी पर मैं फ्री लाइव क्लासेस लूंगी, जहां पर जो मैंने आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ में जो टारगेट्स दिए हुए हैं उन टारगेट्स की मैं आप लोगों के लिए लाइव क्विजेस कंडक्ट करवाऊंगी। कल 3rd अक्टूबर को द लिविंग वर्ल्ड प्लस रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स की कंबाइंड लाइव क्विज होगी अनअकैडमी पर रात को 9 बजे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हुए बायोलॉजी एट ईस्ट कोड रेफरल कोड यूज करते हुए इस लिंक के जरिए आप खुद को एनरोल करा दीजिए, एकदम फ्री है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का चैप्टर और क्लास 12th का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, जो कि सीबीएसई टर्म 1 में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे इन चैप्टर्स को अवॉइड करें ये सोचते हुए कि यार इजी है मान सकती हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको कंप्लीटली इग्नोर करें। तो कल मैं आप लोगों
करूंगी कंबाइंड क्विज कराऊंगी फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड प्लस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और वो सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स करेंगे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे हैं फॉर टर्म 1 एग्जाम. ठीक है, मैं आप लोगों को स्केड्यूल अन अकेडमी पर ही प्रोवाइड कराती रहूंगी. साथ ही आप लोगों को यूट्यूब पर भी अपडेट देती रहूंगी कि आज किस चैप्टर की क्विज होने वाली है. तो मेरी कल की क्विज है, मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा. आपका अक्टूबर मंथ का टारगेट ये रहा, सिंसियरली फॉलो करिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2022 प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू.